चंडीगढ़ शुरू से ही अपने सख्त कानून की पालना के लिए जाना जाता है, जिसके बावजूद चंडीगढ़ के एसएसपी कुलदीप चाहल ने इन हिदायतों का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है, जिसके नतीजावश कई आरोपियों और नशा तस्करों का पर्दाफाश हुआ है। ताज़ा मामला चंडीगढ़ के सेक्टर 25 के रहने वाले सोमी नामक एक युवक का सामने आया है, जिसे चंडीगढ़ की सेक्टर 24 की पुलिस ने नाजायज़ असला लेकर घूमने के आरोप के तहत गिरफ्तार किया है। जिक्र योग है कि युवक के पास से एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। सोमी को फिलहाल जिला अदालत में पेश कर 14 दिन की हिरासत में ले लिया गया है। थाना पुलिस के अनुसार सोमी पर पहले भी हत्या व अन्य मामले दर्ज किए जा चुके हैं। जी, क्या ये मामला है, किसकी गिरफ्तारी हुई है और क्या क्या उसके कब्जे से पाया गया है? सोमी नाम का लड़का सेक्टर 25 में रहता है। ये रैली ग्राउंड से पकड़ा, कल इसकी डब से देसी कट्टा मिला था 315 बोर और एक जिंदा कारतूस। तो ये कहाँ का लड़का है, क्या नाम है इसकी, कहाँ की पहचान है? ये सोमी इसका नाम है, इसके बाप का नाम राजेश कुमार, सेक्टर 25 का रहने वाला। और सुनने में आया है कि कुछ और भी पहले भी मामले दर्ज हैं इस पर? हाँ, इसके ऊपर 302 का पहले मामला दर्ज है, अब जो कि 20 मई को बेल पर आया। तो आज इसे जिला अदालत पेश किया जाएगा। यस ठीक।